अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। नाश्ता कर लिए और मैं साथ साथ कर रही हूँ किचन साफ, और बर्तन धो लिए, कुछ बर्तन बाकी है और ये भी मैं धो लेती हूँ और साथ ही किचन साफ कर लेती हूँ। मेरी मम्मा ने किचन भी साफ कर लिया और बर्तन भी धो लिए, और यहाँ पे मेरे चिक्स है और कोको आई, उसने सारा बाहर रख दिया। देखिए इधर भी गिर गया, उसे हम लोग बचा के रखते हैं लेकिन फिर भी ना वो फेंक देती। और मैं और चूजों को खोल के इधर ले जाती है, फिर उनके साथ खेलती है, कभी उनको उधर लेके जाती है, तो वो ना बास्केट के ऊपर से उसको कैब उठा के अंदर उनको डालती है। अंदर डालती है? अब मुझे नहीं पता। फिर वो उधर को भागते हैं तो उधर से लेके उधर भागती है। रात को बारिश हुई थी हल्की हल्की और वो कैप उसका पड़ा है, उसने कोको ने फेंका है। और मैं और अर्शी जा रही हूँ मम्मी के बाजार। ये कोको सो गई है, उसको उसके बाबा के पास छोड़ दिए। जल्दी जल्दी से जो भी चीज़ पसंद आएगी, सब्जी वगैरह जो भी होगी। आपने क्या लेना? चलो चलते हैं जल्दी। चलो मंगल बाजार से वापस आ गए और मैं लेकर आई हूँ साग। शाहद को साग बहुत पसंद है, और साथ अदरक पुदीना। अर्श को भी बहुत पसंद है। अदरक इतना महंगा और सब्ज़ी इतनी महंगी, बहुत ज़्यादा महंगी। और साथ में लेकर आई हूँ पुदीना, और ये साग बनाने के लिए पहले वाला टूट गया था। और ये रुमाल, रोटी वाले रुमाल। अर्श का फेवरेट कलर है ब्लू। लिया आपने? ग्रीन तो नहीं लिया। साग पीले फूलों वाला। अर्श को लगी है भूख। अर्श कह रहा है मुझे पापड़ निकाल कर दो। ये बड़े बड़े जो पापड़ होते हैं, कब से कह रहा था लेकिन अभी गैस आई है। ये आपने ना तोड़ दिए। लाओ जल जाएगा। नहीं बना? नहीं। वैसे ही आपको लग रहा है हो गया बन गया? नहीं बना। आपने टीरा फेंका? हाँ। ये देखो और बनना हो तो आपने जो रखी है पीछे करो। आहिस्ता से फेंको ना। ऐसे ही बनेंगे। ये वो नहीं है, वो नहीं पापा डालते हैं। मैं पूरी बैग पूरी कर दूँ। ना जल्दी से फेंक के जाओ। चेक करो अच्छे बने। आहिस्ता से फेंको। बहुत ही मजेदार है। आप फ्राई कर रहे हो पीछे से बने हुए? फोन किसका है? पापा रट्स ने खा लिए और कुछ पड़ी हुई है कोको के लिए। कैचअप इधर ही छोड़ गया। और मैं बनाने लगी हूँ आलू वाले चावल। चावल मैंने साफ करके भिगो दिए और आलू भी काट के धो के रख दिए। पानी थोड़ा सा डाल दिया इसका कलर ख़राब ना हो। यहाँ पर मैंने टमाटर, सब्ज़ मिर्ची, अदरक काट लिए। अदरक थोड़ा सा ज़्यादा था और ये मैंने निकाल लिए। और यहाँ पे प्याज रोन होने के लिए रख दिए।
आलू और अंडे का सालन पड़ा हुआ था, पहले मैंने कहा वही खा लेंगे, फिर मैंने कहा चलो चावल बना लेती हूँ साथ, थोड़े साथ बनाती हूँ रायता साथ। गरम मसाला जो जो आपको पसंद है वही चीजें आप डाल लें। के ऊपर मैंने रख दिए हैं ये चीज़ें, साथ साथ में उठा लेती हूँ ये छिलके के। कोको अभी तक सोई हुई है, और ये हर्ष के पापड़ जो बचे हुए हैं उसको बना के खा रहे हैं। यहाँ पे प्याज हो रहा है ब्राउन, मंगल बाजार से अच्छा अपनी चीजें लेकर आया, इंक लेकर आया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेकर आया, जोल खर्ची इतनी करवाई है इसमें। प्याज ब्राउन हो गया तो मैं इसमें अदरक डाल देती हूँ, और टमाटर इतना बड़ा था काट काट के मैं थक ही गई हूँ। नहीं मेरे हाथ में लगा इतना मोटा सा, तो इसको मैंने पकड़ लिया। आलू वाले चावल बन गए। और साथ ही मैं काट रही थी साग, वो भी बहुत लंबा काम है। और कोको भी उठ गई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्श कह रहा है मैंने खानी है रोटी, और ये जाएगा अपनी नानू के घर और उधर से खाएगा रोटी, चिकन का मसाला बना हुआ है और साथ रोटी इसने खानी है। और शाहद को मैं चावल देती हूँ और साथ ले आए वो दही और जीरे वाला रायता साथ बनाती हूँ। खाना खा लिया और मैं बना रही हूँ साग। साग का काम बहुत ही मुश्किल है, काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में, और ये मैं किसी को बनाने भी नहीं देती, मैं खुद ही बनाती हूँ। साथ ही मैंने कोको का दूध बॉयल करना है, बर्तन धोने अभी, और सुबह के लिए आटा गूंदना है, और साग
लगता है एक ही बजेगा मुझे बनाते बनाते रात को। और ये थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।